नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की ताजा खबर में। 1000 का उधार चुकाने के लिए पाकिस्तान ने राष्ट्रपति जनरल याह्या खान 1971 ने अपना आधा देश दे दिया था। ये कहना था भारत की सेना के अध्यक्ष फील्ड मार्शल जनरल सैम मैनेकशॉ का पाकिस्तान जनरल याह्या खान के लिए। बात परिहास में कही गई, लेकिन सच भी थी। जब भारत 1971 की लड़ाई जीता, जब याह्या खान पाकिस्तान सेना के प्रमुख और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, जब 1947 से पहले याह्या और सैम दोनों ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अफसर थे, आजादी और विभाजन के बाद याह्या ने पाकिस्तान जाना स्वीकारा। याह्या को सैम की बाइक पसंद थी तो उनके मांगने सैम ने उन्हें बाइक 1000 रुपए में बेच दी। याह्या ने पाकिस्तान जाकर मनी ऑर्डर भेजने की बात कही। 24 साल तक सैम के पास मनी ऑर्डर नहीं आया। बहुत सालों बाद जब पाकिस्तान और भारत में युद्ध हुआ तो मैनेकशॉ और याह्या खान अपने देशों के सेनाध्यक्ष थे। लड़ाई जीतने के बाद सैम ने मजाक किया, मैंने याह्या खान के चेक का 24 सालों तक इंतजार किया, लेकिन वह कभी नहीं आया। आखिर उन्होंने 1947 में लिया गया उधार अपना आधा देश देकर चुकाया। भारत पाकिस्तान के बीच जब 1971 की लड़ाई शुरू होने वाली थी, तब उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनरल मैनेकशॉ से पूछा कि क्या लड़ाई के लिए तैयारियां पूरी है। इस पर मैनेकशॉ ने तपाक से कहा, आई एम ऑलवेज रेडी। यही नहीं, एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि यदि आप विभाजन के बाद पाकिस्तान चले जाते और वहां के आर्मी चीफ होते तो क्या होता। सैम बहादुर तत्काल बोले, होता क्या, 1971 की लड़ाई पाकिस्तान जीत जाता। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।